आप भी जानना चाहेंगे टी सीरीज का काला सच। आखिर किस कारण हुई टी सीरीज के फाउंडर की मौत? क्या जल्द ही आमिर खान करने जा रहे हैं एक रियल बायोपिक पर काम शुरू? नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं गुलशन कुमार के ऊपर बनने जा रही बायोपिक और उनसे जुड़ी कुछ अनसुने किस्से। इन सभी टॉपिक्स पे होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में, तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सुभाष कपूर की अपकमिंग फिल्म मोगुल जल्द ही सिनेमा घरों में रिलीज हो सकती है। फिल्म के कास्ट से जुड़ी अभी तक यही खबर आई कि फिल्म में आमिर खान मेन लीड रोल में दिखने जा रहे हैं। चलिए पहले आपको फिल्म से जुड़ी कुछ खास और सच्ची बात बताते हैं। ये फिल्म टी सीरीज के फाउंडर और बॉलीवुड के मूवी प्रोड्यूसर गुलशन कुमार के बायोपिक पर बेस्ड है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि गुलशन कुमार भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। गुलशन कुमार का नाम फिल्मी दुनिया की उन हस्तियों में शुमार है जिन्होंने काफी कम समय में ही शोहरत की बुलंदियों को हासिल कर लिया था, जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है। और उनका गाया हुआ हनुमान चालीसा सुनकर आज भी दिल खुश हो जाता है। आज भी कई घरों में गुलशन कुमार का हनुमान चालीसा जरूर सुनने को मिलता है। वहीं सुभाष कपूर की आने वाली फिल्म इन्हीं की कहानी पर बेस्ड है कि ऐसा क्या हुआ कि आज गुलशन कुमार हमारे साथ नहीं है और उनकी लाइफ से जुड़ी काफी सारी बातें आपको फिल्म मोगुल में जानने को मिलेगा। आमिर खान फिल्म मोगुल में गुलशन कुमार के किरदार में दिखने जा रहे हैं, तो वहीं गुलशन ग्रोवर जिन्होंने कई सारे फिल्मों में नेगेटिव रोल्स प्ले किए हैं, वो इस फिल्म में भी दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले करने जा रहे हैं। फिल्म को रिलीज करने में अभी काफी समय लग सकता है। फिल्म के स्क्रिप्ट और प्लॉटिंग पे भी काम चल रहा है। अगले साल यानी 2022 के एंड तक ये फिल्म बनकर रेडी होने की खबर है। आमिर खान की नेक्स्ट फिल्म लाल सिंह चड्ढा जो काफी चर्चा में चल रही है और ये फिल्म दिसंबर में क्रिसमस के दिन रिलीज होने जा रही है। और इस फिल्म के तुरंत बाद आमिर खान निकल पड़ेंगे फिल्म मोगुल के शूट पर। फिल्म से जुड़ी सबसे पहली खबर आपको हमारे चैनल पर जरूर सुनने को मिलेगा और इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहने की जरूरत है। और भी सारी नई अपकमिंग मूवीज और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटके सुनने को कैसे मिलेगा। लाइक एंड कमेंट करके आप भी अपनी ओपिनियन इस फिल्म को लेकर हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका आपसे इजाजत लेती हूँ। चाचा बाय, टेक केयर।